गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रशंजी चक्रवर्ती, योर मैथ्स टीचर। टुडे वी आर स्टडी एक्सरसाइज 12.2, चैप्टर 12, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 जो कल का सॉल्यूशन बचा हुआ था, जिन लोगों ने कर लिया है वो एक बार मिला लीजिए। पहले डायग्राम सभी जो जो क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, चारों डायग्राम्स को तो आपको बनाना ही है, ठीक है। इसको आप अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग क्वेश्चन को आगे बनाएंगे। क्वेश्चंस में यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि जिस डायग्राम को हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है, उस डायग्राम को आप देखेंगे तो उसमें आपको सॉल्यूशन ऐसा करना है कि फर्स्ट वाले में लिखेंगे एंगल 1 और एंगल 5 कितना है 180 डिग्री का। ये क्या बनाते हैं? पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। उसके बाद एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल देन 180 डिग्री, वर्टिकली क्या है, अपोजिट एंगल है ये दोनों। थर्ड वाले क्वेश्चंस के आंसर में आप लिखेंगे एंगल 9 इक्वल देन एंगल 11, एंगल 9 अगर 90 डिग्री का सेक्शन में तो 10 और 9 के यहां पर देख सकते हैं वर्टिकली दोनों ऑपोजिट एंगल में, जब 9 90 का है और उसके सामने जो 10 है वो भी वर्टिकल उसका ऑपोजिट है तो वो भी कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का, 11th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम 12th क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं, तो फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहां पर हम लोग 12 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग डायग्राम पहले बना लीजिएगा, एंगल y प्लस 120 डिग्री इक्वल देन 180 डिग्री, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आपको यहां पे ये लिखना है। फिर एंगल y इक्वल देन 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो 180 में से अगर 120 माइनस करते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 प्लस 30 डिग्री जब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे इक्वल देन 180 डिग्री, तो एंगल 1 का वैल्यू निकालना है तो 180 में से इस प्लस को इधर ले आए तो माइनस हो गया 30 डिग्री, तो इक्वल देन कितना निकल गया, 150 डिग्री। अब एंगल 2 को अगर निकालते हैं तो 120 डिग्री अल्टरनेटिव क्या है उसका, इंटीरियर एंगल्स है, तो एंगल z ये क्या है, z इक्वल देन एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल 1 की वैल्यू 120 है और एंगल 2 की 150, दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा हम लोगों को, 270 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस में डायग्राम जो है उसको पहले आप बनाएंगे, उसके बाद आपको डायग्राम के बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3x प्लस 25, 2x प्लस 20 इक्वल देन 180, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। 3x प्लस 25, 2x प्लस 25 इक्वल देन 180, 3 और 2 को प्लस कर देते हैं तो 5x, 25 और 20 को ऐड कर देते हैं तो 45, ठीक है, इक्वल देन 180 डिग्री। तो 5x इक्वल देन 180 प्लस इधर जाकर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 45 डिग्री। तो 5x इक्वल देन, ये जब इसको माइनस करते हैं हम लोग तो आता है हमारे पास 135 डिग्री। अब क्या करना है, x के वैल्यू को निकालना है, तो 135 और ये 5 इसके बाय में चले जाएगा, तो 5 बन जा 5, 527 जा कितना हो जाएगा 135, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 27 डिग्री, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने वाले हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 का डायग्राम आप लोग को बना लेना है, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद फर्स्ट लाइन BL पैरेलल CY BW इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, इसको लिख लीजिए आप लोगों ने। 6x प्लस 120 डिग्री इक्वल देन 180 डिग्री, 6x इक्वल देन 180 माइनस 120 इक्वल देन 60 डिग्री, 6x इक्वल देन 60 डिग्री, x की वैल्यू निकालनी है तो 60 बाय में ये 6 ले गए, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, 10 डिग्री x की वैल्यू मिली आपको,
एंगल ए कितना दिया हुआ था 4x, तो 4 into x कितना दिया हुआ है 10, तो हम लोगों ने 10 को पुट कर लिया, तो 4 10 जा 40 डिग्री, ठीक है, तो आंसर आपको कितना मिला 40 डिग्री। इस क्वेश्चन को आप नोट आउट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में ये आज हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 12.2 का, इसके बाद आप लोग को कॉपी सबमिट करनी है ग्रुप में, ठीक है, कॉपी आप सबमिट करिए, उसकी इमेजेस भेजिए, ठीक है, आपका 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बीच में आपके लिए टेस्ट के लिए भी क्वेश्चन आएंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, एंगल ई इक्वल देन 40 डिग्री अल्टरनेटिव एंगल्स, एंगल सी इक्वल देन भी कितना होगा 40 डिग्री, एंगल सी क्या है अल्टरनेटिव क्या है ऑपोजिट है, ठीक है, ये क्या है ऑपोजिट है इसके, तो दोनों कितने के डिग्री के होंगे, अगर ये भी जस्ट 40 डिग्री क्या है, एंगल डी भी कितने का हो जाएगा 40 डिग्री का, ठीक है, तो एंगल ए और बी भी कितने डिग्री इसके हो जाएंगे 40 डिग्री इसके, ठीक है, ये हमारा आंसर कंप्लीट। तो आज के लिए कंप्लीट होता है हमारा 12.2, अब हम लोग नेक्स्ट 13 चैप्टर पढ़ेंगे, उससे पहले आप कॉपीज की इमेजेस पीडीएफ बना के या तो फिर डायरेक्ट जैसे आप सेंड करते थे वैसे ही ग्रुप में सेंड करेंगे, ओके, तो जब तक ऐसी स्थिति है, स्टे होम स्टे सेफ स्टूडेंट्स एंड गुड बाय।